जनवरी का महीना छोड़ो, चार दिन है उसको अभी, 1 जनवरी को 4 दिन है। मैं चाहता हूँ कि आज से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके छोटे ड्रीम्स है भाई तो मत कर ले पढ़ाई, 2 घंटा पढ़ाई कर ले, टाइम पास कर ले, ठीक है, बाहर फिर के बाहर घूम के वो चीजें नहीं होती है। कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा जिन्होंने अभी फिलहाल IIT क्रैक किया है। मैंने उससे पूछा कि भाई तू जो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई करता है, इतनी जो मेहनत कर रहा है, क्या कभी तूने इसका हिसाब खुद को पूछा है? कभी तूने इसका हिसाब, तेरे मेहनत का जो हिसाब है, क्या कभी तूने उसको देखा है? तो स्टूडेंट्स, उसने जो आंसर दिया, ये चीजें आपको जरूर सुननी चाहिए। उसने कहा, भैया मैं कभी भी मेरे मेहनत का हिसाब नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने भगवान जी से मेरे जो ड्रीम्स है, मेरे जो अचीवमेंट है, मैंने उनसे बहुत सारा बेहिसाब मांगा है। मतलब कि स्टूडेंट्स, उसका यह कहना था कि मैं मेरे मेहनत का हिसाब नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे जो ड्रीम्स है, मेरे जो गोल्स है, वो मैंने जो भगवान से मांगे हैं, वो मैंने बेहिसाब मांगे हैं। मैं स्टूडेंट्स यही चीज आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भैया अभी जनवरी का मंथ आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो उस नए साल से हम नई शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं स्टूडेंट्स एक चीज बता दूं, ये रिजोल्यूशन की ट्रैप में आप फंसना नहीं है। बहुत सारे बंदे इसी रिजोल्यूशन की ट्रैप में फंस जाते हैं। आप इस रिजोल्यूशन के ट्रैक में फंसने के वजह से आपके आज के जो 3-4 दिन बाकी है, वो 3-4 दिन भी आप मिस कर दोगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ये बहुत ज्यादा करीब है, लगभग बस 60 डेज हमारे हाथ में है। इन चीजों को किस प्रकार से यूटिलाइज करें? सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप हमेशा आपके भैया को अप्रिशिएट करते हो, मैं जब भी वीडियोस डालता हूँ अच्छे अच्छे कमेंट्स आप मुझे करते हो, लेकिन आज मैं सही में आप सभी के लिए क्लैप करना चाहता हूँ कि आपने जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी हमको मिलेगा, बस कंसिस्टेंट रहो। और एक चीज स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को आज अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अपनी कम्युनिटी, जितने भी स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल को जितने भी देखते आ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को जो भी अभी सुन रहा है, लाला तू जो भी चीज कर रहा है, तू जो भी हार्डवर्क कर रहा है, ये आगे चल के तेरे को रिजल्ट देगा, मतलब देगा। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है जो हमारे रिस्पेक्टेड सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर्स जब जंग के मैदान में जाते हैं तो उनके दिमाग में कोई भी थिंकिंग नहीं होती है, उनके दिमाग में बस ये होता है कि हम हमारे इंडिया का, हमारे देश का किस प्रकार से रक्षण करें, जिससे कि हमारी कम्युनिटी सेफ रहे। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स की लाइफ होती है, तो वो जंग जो होती है वो जीते जाती है एक टेबल पे बैठ के। यहाँ स्टूडेंट्स, एक टेबल पे बैठ के, जब आप स्टडी टेबल पे बैठते हो, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना कि ये हमारा एक वॉर है, इस चीज को हमको एकम्प्लिश करना है। बड़ी बड़ी
इतना स्ट्रेटजी आपके भैया ने भी कभी इस्तेमाल नहीं करी जितना मैंने आपको दिया है। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक प्लान आपको चाहिए, एक चीज आपको चाहिए। आप कभी कभी फंबल हो जाते हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? जैसे ही वीडियो बंद होता है सीधा सीधा
आपको स्टडी को बैठना है, और सबको टारगेट दे रहा हूं मैं कि जितने भी आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो उससे एक घंटा आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी के साथ पीस आउट।